तो आज हम सिलेक्शंस करेंगे, क्योंकि सिलेक्शंस के बगैर फोटोशॉप अधूरा है। सिलेक्शन क्या होता है? हमने किसी भी इमेज से कोई चीज पकड़नी है, उसको हम सिलेक्शन कहते हैं। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल क्या होगी कि आपने अपनी पिक्चर खींची है, फॉर एग्जांपल सेल्फी खींची है। सेल्फी खींचने के बाद आपने, आप चाह रहे हैं कि आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकें। बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकें, यानी आप अपने आप को पूरा का पूरा आइसोलेट कर लें इमेज से, यानी आप अपने आप को इमेज से निकाल लें, बैकग्राउंड अलग हो जाए, आपकी अपनी तस्वीर अलग हो जाए, और बीच में या तो कोई टेक्स्ट डाल दें या फिर कोई पूरी की पूरी बैकग्राउंड चेंज कर दें। यानी अगर आप कमरे के अंदर अपने कमरे के अंदर बैठ के तस्वीर खींची है, आप बैकग्राउंड रिमूव करें और पिछली दीवार को रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हैं, लेट्स से फॉरेस्ट के साथ या स्काई के साथ। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, फिर अपने आप को क्रॉप कर रहे हैं उसमें से, और फिर बैकग्राउंड रिप्लेस कर रहे हैं। तो वर्ड क्या हाईलाइट हो रहा है? सिलेक्ट। इसी तरीके से आपने अपनी एक इमेज खींची, इमेज आपके साथ पास कोई इमेज है, आप उस पोस्ट को इंस्टाग्राम पे लगाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, बट उस इमेज के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई है जो कि आप चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे शो नहीं करनी, लेकिन वो ऐसी जगह पे पड़ी हुई है कि उसको आप क्रॉप भी नहीं कर सकते। अगर आप क्रॉप करेंगे तो इमेज की रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बुक पड़ी हुई है जो आप नहीं शो करवाना चाह रहे, आप किसी को अपनी जो बुक कलेक्शन है वो हाइड करवाना चाह रहे हैं और रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि वो खाली टेबल है, तो आप बुक्स या सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसको उस पर एडिटिंग कर लेंगे, यानी इन शॉर्ट उसमें भी सिलेक्शन आ जाएगी। तो सिलेक्शन के अनगिनत एप्लीकेशन हैं, मैं अगर गिनना शुरू करूँ तो पूरी क्लास सिर्फ उसी में ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे जितना भी आप टाइम स्पेंड करें वो काम है। फोटो मैनिपुलेशन में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि एक बंदा खड़ा हुआ है, उसकी बैकग्राउंड में एक पहाड़ है और ऊपर आसमान पे ड्रैगन्स हैं एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तो वो सारी चीज़ें सिलेक्ट करके, कट आउट करके फिर इमेज में डालते हैं।